सब्सक्राइब कीजिए आवाज नेशनल न्यूज और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि हमारे न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिले। योगदान दिवस के मौके पर मशहूर शायर इमरान प्रताप गड़ी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ऐसे तीखे शब्दों से वार किए कि आपके भी होश उड़ जाएंगे। मुंह में राम बगल में छुरी, ये फासिस्ट धरा करते हैं, सच्चाई की ताकत से ये झूठे बहुत डरा करते हैं, सच्चाई की ताकत से ये झूठे बहुत डरा करते हैं। नाथू में और बापू में बस एक बुनियादी अंतर है, यहां से लेकर वहां तक एक शख्स का हाथ उठेगा अगले सच्चे मिसरे पे। नाथू में और बापू में बस एक बुनियादी अंतर है, गोड से मर जाते हैं लेकिन बापू नहीं मरा करते हैं, गोड से मर जाते हैं लेकिन गांधी नहीं मरा करते हैं, सच्चाई की ताकत से ये झूठे बहुत डरा करते हैं। हार मांस का एक इंसान, बुजुर्ग सा इंसान, जिसके जिस्म पर कपड़े भी बहुत कम हुआ करते थे, सादगी ऐसी। लेकिन आप सोचिए कि एक विचारधारा ने, जिस विचारधारा ने बड़ी जतन करके उनका खत्म किया, मैं गांधी की महानता को, गांधी के बड़प्पन को आज इस नजरिए से कबूल करने को मजबूर हो जाता हूं कि जिस विचारधारा ने, जिस ख्याल ने उनका कत्ल किया, आज उन्हीं के लोग सत्ता पर काबिज हैं। लेकिन आप यकीन करें कि दुनिया के किसी भी मुल्क में जाते हैं वो, चाहे प्रधानमंत्री बन के जाए या किसी भी पद पर बैठा हुआ कोई नेता दुनिया के किसी मुल्क में जाए, उसे वहां जा करके गांधी के बुद्ध के सामने, गांधी की मूर्ति के सामने हाथ जरूर जोड़ना पड़ता है। ये गांधी का बड़प्पन है, ये बताता है कि गांधी आज भी जिंदा हैं और आने वाली तमाम सदियों तक गांधी जिंदा रहेंगे। मैं कभी कभी जब वो तस्वीरें देखता हूं कि मोदी जी एक तरफ तो दिल में गोडसे को रखते हैं लेकिन दुनिया के तमाम मुल्कों में जाकर के गांधी जी के सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, सोचिए क्या खलिश होती होगी साहब। तब मैं मिसरे पढ़ता हूं कि हाथ जोड़ना पड़ता है और शीश झुकाना पड़ता है, दिल पर पत्थर रख करके भी आना जाना पड़ता है, दिल पर पत्थर रख करके भी आना जाना पड़ता है। कल जिस बापू के सीने में तुमने गोली मारी थी, पहुंचाना दिल्ली तक मेरे इन मिसरों को, कल जिस बापू के सीने में तुमने गोली मारी थी, आज उसी बापू के आगे फूल चढ़ाना पड़ता है। किसी कानून की ना न्याय की परवाह है, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, जहां तीन सूबों में हुकूमतें बदली हैं, वो सब भी आपकी आंखों में है। मैं मिसरे पढ़ता हूं कि ना किसी कानून की ना न्याय की परवाह है और ना ही वर्दियों की हाय की परवाह है, भाजपा सरकार की बेशर्मियां तो देखिए, बेटियों से भी ज्यादा गाय की परवाह है, बेटियों से भी ज्यादा गाय की परवाह है, ना किसी कानून की ना न्याय की परवाह है। लेकिन संजय भाई, मुल्क जाग रहा है, इन 4.5 सालों में मोदी जी ने कुछ किया हो ना किया हो, लेकिन जो शरीफ लोग थे, जो इस मुल्क से मोहब्बत करते थे, उन्हें जगाया जरूर है और वो जाग करके आज इतनी बेदारी के साथ यहाँ खड़े हैं। तीन सूबों का रिजल्ट ये बता रहा है, ये उनसे कह रहा है कि अपने सब झूठे जुमलों के साथ निकल लो मोदी जी। क्या बात है, बिल्कुल आपकी जुबान में बात कहने की कोशिश करता हूं कि अपने सब झूठे जुमलों के साथ निकल लो मोदी जी,
लेकर के ये चोरों की बारात निकल लो लेकर के ये चोरों की बारात निकल लो मोदी जी। एमपी राजस्थान से छत्तीसगढ़ से सदाएं आई हैं, बांधो बोरिया बिस्तर और गुजरात निकल लो मोदी जी, बांधो बोरिया बिस्तर और गुजरात निकल लो मोदी जी। इन मिसरों पर जो आपका जुनून दिखाई पड़ता है, जो आपका जोश दिखाई पड़ता है, कभी कानून हर एक धर्म सारे दीन बोलेंगे, क्या कहने, सभी कानून हर एक धर्म सारे दीन बोलेंगे, सभी कानून हर एक धर्म सारे दीन बोलेंगे, मेरी आवाज के हक में सभी गमगीन बोलेंगे, मुझे इंसाफ की इस जंग में पूरा भरोसा है, अगर सच बात बोलूंगा तो सब आमीन शाद रहने दो। क्या बात है, कहां उम्मीद तुमसे है, हमें नाशाद रहने दो, कर्म करने को रहने दो, हमें बर्बाद रहने दो, कर्म करने को रहने दो, हमें बर्बाद रहने दो, भला इससे मेरे ईमान पे क्या फर्क पड़ता है, इलाहाबाद रहने दो के फैजाबाद रहने दो। हम तुम्हारी मंशा समझते हैं, तुम उलझाना चाहते हो, तुम निशानियां मिटाना चाहते हो, लेकिन हम तो तुमसे ये भी कहते हैं साहब कि तुम्हारे पहले बोला है, तुम्हारे बाद बोलेंगे, तुम्हारे फैसले बिल्कुल है बेबुनियाद बोलेंगे, मिटा दो नाम कागज से दिलों पर फिर भी लिखा है, इलाहाबाद बोला है, इलाहाबाद बोला है, इलाहाबाद बोलेंगे। बाल्टी में रंग लेकर के और ब्रश लेकर घूम रहे हैं हमारे सूबे के मुख्यमंत्री साहब, पहुंचते हैं और जहां भी देखते हैं नाम लिखा हुआ कोई कायदे का, उस पर ब्रश मार के एक नया नाम लिख देते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि एक शहर का नाम बदलने में जो ये हजारों करोड़ रुपए का खर्च आता है, ये कहां से आएगा, इसका बोझ किस पर पड़ेगा। लोग खुश हो रहे हैं, लोग बस तालियां बजा रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि बहुत बड़ा काम कर दे रहे हैं, बहुत बुनियादी काम कर दे रहे हैं, लेकिन मैं तो उनसे इतना कहना चाहता हूं साहब कि तुम्हारे घर में आंगन में तड़प कर मर गए थे जो, तुम्हारे घर में आंगन में तड़प कर मर गए थे जो, जरा सा वक्त उन मासूम से फूलों को दे देते, जो पैसा नाम शहरों का बदलने में लुटाया है, वो पैसा ऑक्सीजन के लिए बच्चों को दे देते, ऑक्सीजन के रिश्ते की कदर नहीं कर पाए, वो भाई बहन के रिश्ते की अहमियत को क्या कहने पर। मैं तो आज तक संजय भाई सोच सोच के परेशान हूँ कि मोदी जी का घर परिवार इतना भरा पूरा है, भाई भी हैं उनके परिवार में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बंदे को जब ड्रामा करना था तो लाइन में लगने के लिए नोटबंदी के दौरान अपनी 90 साल की बूढ़ी माँ को भेजा पैसा बदलने के लिए। जो आदमी रिश्तों के प्रति इतना उदासीन हो, रिश्तों का इतना इस्तेमाल करता हो, उससे आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं। ऐसे में तमाम
यहाँ जो खवातीन हैं, महिलाएं हैं, सबको एकजुट होकर के इस हुकूमत को बदलना है, क्योंकि ये चौकीदार जो है ना वो चोर निकल गया है, आपको पता है। डीएचएसएल का एक घोटाला और खुला है तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए का। मेहुल साहब ने पासपोर्ट सरेंडर कर दिया, निकारागुआ को एक मुल्क है वहां बस गया है, ला पाने की हिम्मत नहीं है। आप तो सारी चीज देख ही रहे हैं। मैं तो एक नज्म सुनाता हूँ जी। बड़ा ढिंढोरा पीटा करते थे कि मैं चौकीदार हूँ, खजाने की चाबी मुझे दे दो, कोई भी एक पैसा इधर उधर नहीं खा पाएगा। मैं तो बस एक नज्म सुनाता हूँ जी, कि तेरे हर झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है, कि तेरे हर झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है। क्या बात, दिल्ली में बैठी हुई सबसे बड़ी ताकत के खिलाफ सबसे पुरजोर हिम्मत के साथ बोलने की कोशिश करता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। मैं पढ़ता हूं और यहां से वहां तक दुआएं आप सबकी मांगता हूं, कि तेरे हर झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है, देश में फैली नफरत वाली बीमारी पर लानत है, देश लूट कर रोज लुटेरे नाक के नीचे भाग रहे चौकीदार, तेरी ऐसी चौकीदारी पर लानत है, तेरे हर झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है, तेरे हर झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है। फकीर झोला उठा के चल दूंगा, मैं तो फकीर आदमी हूं साहब, मैं तो उनसे इतना कहा करता हूं, चोर है ये, खुशियों के पल चुरा ले गया, गंगा का जल चुरा ले गया, क्या कहें, काले धन की बातें करके आंख से काजल चुरा ले गया। कमजोर ताली में सुन रहे, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। वो बहरे लोग हैं, बड़ा जोर से बोलना पड़ेगा तब कान तक सदाएं जाएंगी। इधर जो लोग खड़े हैं इनकी भी शिरकत होनी चाहिए। बिल्कुल, आपकी तालियों के शोर से बंबई नहीं बल्कि दिल्ली तक पहुंचे आपकी गूंज। में पढ़ता हूं कि खुशियों के पल चुरा ले गया, गंगा का जल चुरा ले गया, काले धन की बातें करके आंख से काजल चुरा ले गया। नहीं, अब आ रहा है ताली बजाने का मौका, अब आ रहा है। काले धन की बातें करके आंख से काजल चुरा ले गया, जिधर देखिए उधर शोर है, तेरी ओर है मेरी ओर है, जिधर देखिए उधर शोर है, तेरी ओर है मेरी ओर है, मैं भी बोलूं तुम भी बोलो मेरा चौकीदार, चोर है मेरा चौकीदार, चोर है। क्या बात, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। के उस लाइन में मरने वाली बूढ़ी माँ ने पूछवाया है, क्या बात, नोट बंद करने से कितना काला धन वापस आया है। उस लाइन में मरने वाली बूढ़ी माँ ने पूछवाया है, नोट बंद करने से कितना काला धन वापस आया है, रुपये के क्यों दाम गिर गए ये सवाल भी खो जाएंगे, शहरों के बस नाम बदल दो लंदन पेरिस हो जाएंगे। कहने भाई, वाह वाह वाह। राष्ट्रवाद की काट मलाई, राष्ट्रवाद की काट मलाई, राष्ट्रवाद में बड़ा जोर है मेरा चौकीदार, चोर है मेरा चौकीदार, चोर है।
आखिरी पल सुनिएगा इस फिल्म का, मैं बाद में पहन लूंगा कि वो जो कल तक बजा रहे थे हाथ से ताली राफेल की, क्या बात सुनेगा, बिल्कुल वक्त पूरा होने वाला है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टाइम है, संजय भाई ने कह दिया टाइम है तो फिर घड़ी की सुइयां तो रुक ही जाएंगे। मैं जानता हूँ कि वो जो कल तक बजा रहे थे हाथ से ताली राफेल की, आज देखिए पी की है चेहरे पर लाली राफेल की, उधर हिफाजत में सरहद की जान लुटा दी बेटों ने। अब उठे आपकी तालियों का शोर, उधर हिफाजत में सरहद की जान लुटा दी बेटों ने, इधर सियासी लोग खा गए यार दलाली राफेल की। अंबानी के हाथों में अब मोदी जी की बागडोर है, मेरा चौकीदार चोर है, मेरा चौकीदार चोर है, मेरा चौकीदार चोर है। क्या कहने वाला, और उनसे बस इतना कहता हूँ, ये धुएं की लकीर मत बेचो यार, लफ्ज़े फकीर मत बेचो, मोदी जी आपसे गुजारिश है, मोदी जी आपसे गुजारिश है, चाय बेचो जमीर मत बेचो, चाय बेचो जमीर मत बेचो, चाय बेचो जमीर मत बेचो। आखिर में एक नज़्म सुनाता हूँ, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं आप भाई, आज एक गजल पढ़नी है आपको। अच्छा, वो भी सुना देंगे, मेरी फरमाइश है। बिल्कुल सुना देंगे, हालांकि ना तो ये गजल का मतलब है महबूबा से गुफ्तगू करना, और जब मैं देखता हूँ माओ के दामन में आंसुओं से डूबे हुए तमाम दर्द, तो कभी कभी लगता है कि ये वक्त महबूबा पर शेर कहने का नहीं बल्कि माँ के आंसुओं पर शेर कहने का है। शायद इसलिए नहीं बोल पाता, मुझको मीजाने अदब ही पे न तौला करिए, मुझको मीजाने अदब ही पे न तौला करिए, मैं जो बोलूं तो मेरे साथ में बोला करिए, मैं तो हालात से समझौता नहीं कर सकता, कोई तब्दीली मैं इकलौता नहीं कर सकता, कोई तब्दीली मैं इकलौता नहीं कर सकता। और नजर भाई, इतनी फुर्सत नहीं कि मीर पे कुछ गौर करूं, इतनी फुर्सत नहीं कि मीर पे कुछ गौर करूं, जो भी करना है उसे छोड़ के कुछ और करूं, मैं किसी हूर के ख्वाबों में नहीं आ सकता, चीख हूं और किताबों में नहीं आ सकता, चीख हूं और किताबों में नहीं आ सकता। सब कहते हैं मैं लफ्जों का जादू लेकर निकला हूं, क्या बात, अंधियारों से लड़ने वाला जुगनू लेकर निकला हूं, वाह वाह। सब कहते हैं मैं लफ्जों का जादू लेकर निकला हूं, अंधियारों से लड़ने वाला जुगनू लेकर निकला हूं, इंकलाब के लिए उठे वो बाजू लेकर निकला हूं, मैं अपनी नन्ही पलकों पर आंसू लेकर निकला हूँ, मैं अपनी नन्ही पलकों पर आंसू लेकर निकला हूँ, जो कहते हैं मैं चाहत का नगमा पढ़ने वाला हूँ, उन्हें बता दो मैं रसूल का कलमा पढ़ने वाला हूँ, रसूल का कलमा पढ़ने वाला हूँ। तुझे कम हमने दिया है भाई, भाई आप ही लोग बोलेंगे तो कैसे काम नहीं चलेगा, तमाम लोग बैठ गए, दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है, इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है। ये माइनॉरिटी सेल का प्रोग्राम है, ये अकलियतों का प्रोग्राम है, और इमरान ये मिसरे पढ़ता है, उस पूरी पूरे सेल की नुमाइंदगी करते हुए मिसरे पढ़ता है, दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है, इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है, और हिंसा का जो इल्जाम लगाते हैं वो सुन ले, गांधी को महात्मा का लकब हमने दिया है, गांधी को महात्मा का लकब हमने दिया है, क्या बात, दौर में जी रहे था जब नफरतें बिल्कुल आसमान पर हैं।
मत है। अगले 5 मिनट चाहिए मुझे आपके, बिल्कुल डाइस से भी साथ चाहिए इस नज़्म पर, बहुत दिल से कही हुई एक नज़्म है ये। इमरान नहीं बोल रहा इसमें, इसमें इसमें एक 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 हिंदुस्तान का एक आम सा शहरी उसका दिल निकल के रख गया हो इस नज़्म में, तो एक एक शख्स की शिरकत हो। के बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से गालिब की गजल से नफरत है। वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे। अब तैयार रहना मेरी शायरी के लिए नहीं बल्कि मेरी हिम्मत के लिए, मेरा साथ देने के लिए तैयार रहना। वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे, मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है। बेजान से उन दीवारों में चाहत ही चाहत पाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या लाओगे। पहला बंद पढ़ता हूं साहब। एक एक मिसरे में आपकी 800 सालों की तारीख आपकी आंखों में नाच जाए तो एक एक शख्स की एक एक मिसरे पर शिरकत हो। कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए। ऐसे खामोशी से सुनेंगे तो मजा नहीं आएगा, थोड़ी सी शिरकत हो वहां तक। कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए, शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्ला खान हुए। शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्ला खान हुए। संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए। क्या कहने इमरान साहब। मोदी जी की तस्वीर आई थी आपने देखा होगा, किसी टैंक पर बैठे हुए थे। अच्छा फोटो खिंचाने में तो साहब को महारत हासिल है, कैमरे की तरफ ही नजर रहती है। जब उनकी टैंक वाली मैंने फोटो देखी तो मेरे किसी दोस्त ने सोशल मीडिया पे कमेंट लिखा कि मोदी जी टैंक पर बैठने से ही कोई बहादुर नहीं होता, टैंक पर बैठ करके वीर अब्दुल हमीद जैसा जिगरा भी चाहिए और टैंक को नेक्स्ट नाबूद भी कर सके। तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए, शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्ला खान हुए। संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए, सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए। जिनको जाना चले गए अब हमको भेज न पाओगे, बोलो क्या क्या झूठ लाओगे, बोलो क्या क्या झूठ लाओगे, बोलो क्या क्या झूठ लाओगे। आखिरी बंद पढ़ता हूँ, आखिरी के 4 मिसरे। मेरी आंखों के सामने हजारों की तादाद में मौजूद लोग और हजारों लोगों तक मैं जानता हूं कि घरों तक माओ बहनों तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का साहब। बोलो क्या क्या झूठ लाओगे, जिनको जाना था चले गए अब हमको भेज न पाओगे, बोलो क्या क्या झूठ लाओगे। तैयार रहिएगा कि जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है, वो भूल भुलैया अपनी है, वो कुतुब मीनारा अपना है। ईमान में हरारत पैदा हो तो उसे तालियों के शोर में बदलना मुंबई वालों। के जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है, वो भूल भुलैया अपनी है, वो कुतुब मीनारा अपना है। Okay.
यमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है, वो भूल भुलैया अपनी है, वो कुतुब मीनारा अपना है। टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। 15 अगस्त का लाल किला वो भी तो हमारा अपना है। मैं हामी नहीं हूं इन मिस्रों का, लेकिन कभी कभी कहना पड़ता है कि जो जो तुमने बनवाया है उसको किस दिन गिनवाओगे। बोलो क्या क्या झूठ लाओगे, बोलो क्या क्या झूठ लाओगे, बोलो क्या क्या झूठ लाओगे। बिल्कुल आखिरी के 2.5 मिनट है, मुझे पता है मैं 4 मिसरे पढ़ देता हूं, और मैं चाहता हूं कि मिसरे आप गुनगुनाया करें, जहां जिन महफिलों में बैठे हैं वहां जरूर ये कहा करें कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो, ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। नए नए लोग निकल आए हैं जो ये तय कर रहे हैं क्या पहनना है, क्या बोलना है, क्या खाना है, क्या पहनना है। मैं बहुत बड़ी बड़ी खूबसूरत महफिल के बीच में खड़ा हूँ, अब तो ये हालत हो गई कि ये कह रहे हैं कि कितने करना है वही तय करेंगे। मैं तो बस आपसे ये कहता हूँ साहब कि तेरी मर्जी है जो चाहे तू मेरे यार पैदा कर, भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर। मैंने अभी नहीं, आप एडवांस पेमेंट मत दिया करो, चौथे मिसरे पर ताली बजानी। भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर, बड़ी हैरत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए, जो हर भाषण में कहते हैं कि बच्चे 4 पैदा कर, जो हर भाषण में कहते हैं। आजकल बाबा जी भी बहुत बोलने लगे हैं साहब, बंदा दुनिया की हर बीमारी के इलाज का दावा करता है लेकिन आज तक अपनी फड़कती हुई आंख नहीं सही करवा पाया। मैं नाम नहीं लूंगा, आप जान जाएंगे कि मैं बाबा रामदेव जी की बात कर रहा हूं। पिछले दिनों उन्होंने कहा कि हरियाणा के पीस एम्बेसडर है, वो हरियाणा गवर्नमेंट के पीस एम्बेसडर है, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे कानून ने हाथ बांध रखा है वरना मैं जय न बोलने वालों की गर्दनें कटवा देता। तब मैंने बस बड़े मजे के 4 मिसरे पढ़े जी, बहुत बहुत गहरी गहरी बातें आपने सुनी है, मैं चाहता हूँ बड़े हल्के मूड में जाए। क्या जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। नस्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को।
को सलामत रखना। उधर पटाखों की आवाजें हैं, इधर मेरी है, आपकी भी शामिल हो जाएंगी तो ये आवाज ज्यादा बुलंद हो जाएगी। मैं आखिरी बंद पड़ता हूँ, इसको मैं लेकर के तस्वीर खिंचवा रहा है, मैंने पलट के वो तस्वीर भेजी और नीचे लिखा के मेरे भाई, मुझसे वतन प्रस्ती का सबूत मांगने वाले मेरे भाई, तुम्हारा जवाब ये तस्वीर है, हमने तो ऐसी जगह भी तिरंगा फहराया है जहां कदम रखने की तुम्हारी औकात भी नहीं है। सलामत रखना मेरे मां।